टमाटर के दामों में 50% गिरावट से सैकड़ों किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नासिक के टमाटर ने देश की विभिन्न मंडियों में दस्तक दी है। यही वजह है कि हिमाचल के टमाटर के रेट अब गिर गए हैं। दाम गिरने से किसानों का बीज, खाद, मजदूरी पर किया खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। जिला कुल्लू की सब्जी मंडी में एकाएक टमाटर की कीमत में गिरावट आ गई है। इसके चलते टमाटर उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले में करीब 1200 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर का उत्पादन हो रहा है। इस साल शुरुआती दौर से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक किसानों को टमाटर के उम्दा दाम मिले हैं, लेकिन अब एकाएक दाम गिरने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए जी, पहले जो 35 से 40 के बीच में जो टमाटर का दाम था, अब जो अचानक जो है पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया, अब जो है 15 से 20 के बीच में टमाटर को उतार दिया एक दिन के अंदर। तो अब लोग जो है इससे अब लोग परेशान हैं, मेहनत काफ़ी होती है लोगों की, और 20 रुपये भी रहेगा तो वो भी ठीक ही है लोगों को। अब तो जो हाइट का माल है वो चल रहा है, बाकी लोअर बेल्ट का तो खत्म ही हो रहा है। लोअर बेली आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष खुशहाल सिंह ने कहा कि मंडियों में अब टमाटर 10 से 20 रुपए तक बिका है। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र का टमाटर देश की विभिन्न मंडियों में आने लगा है, इसके चलते दामों में गिरावट दर्ज की गई है। टमाटर देखिए, टमाटर जो अभी नासिक और बेंगलोर का टमाटर लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी मंडियों में आ चुका है। इसकी वजह जो टमाटर के रेट कम होने की वजह जो मेन वजह जो यही है। तब भी उत्तर मंडी में लगभग आज टमाटर लगभग 20 रुपए किलो के आसपास बिका। किसानों को आज की इस स्थिति में भी किसानों को मुझे लगता है कि 20 रुपए रेट भी रहे तो ठीक है। पहले के मुकाबले जो टमाटर मंडी में ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि हाइट का टमाटर जो शुरू हुआ, लो हाइट का टमाटर किसी बरसात कम होने के कारण खराब फसल हो चुकी थी, मगर हाइट का टमाटर तो बिल्कुल फुल तैयारी पे मंडियों में आ रहा है। और काफ़ी टमाटर उत्तर मंडी में देखा जाए तो आज की डेट में कम से कम मेरे हिसाब से 7000 क्रेट टमाटर होगा। किसान ओम प्रकाश का कहना है कि कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में अब टमाटर की फसल तैयार है। कोरोना के चलते पहले ही किसान काफी नुकसान उठा चुके हैं। ऐसे में अब अगर टमाटर के दामों में इजाफा नहीं होता है तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि किसानों को 15 अगस्त के बाद दामों में उछाल आने की उम्मीद है। एक सप्ताह पहले कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों में टमाटर 35 से 40 रुपए तक बिक रहा था, लेकिन अब कुल्लू की सब्जी मंडियों में टमाटर की 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बोली लगाई गई है। गौर रहे कि जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में अब टमाटर की फसल तैयार हुई है और अब की बार बीमारी के कारण भी किसानों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब कम दामों के चलते किसानों में खासी निराशा भी हो रही है। पीचन, समाचार फर्स्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।